तो दोस्तों अगर आपने भी किसी टाइम में अपनी इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करी थी और आज की डेट में आपको उसका पासवर्ड बिल्कुल भी याद नहीं है और आप चाहते हो उसको अपने फ़ोन में लॉगिन करना, अपनी इंस्टाग्राम को चलाना, बट आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी को आखिर कैसे लॉगिन करूं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक मिनट में सिखा दूंगा कि आप अपनी किसी भी इंस्टाग्राम आईडी को आप अपने फ़ोन में कैसे लॉगिन कर सकते हो बहुत आसानी से। सो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर आपको स्क्रीन को फॉलो करना है एंड दोस्तों जैसे जैसे आपको मैं बताऊंगा सेम टू सेम वैसे करते रहना है। सो दोस्तों आपको ना सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। सो दोस्तों मैंने यहां पे इंस्टाग्राम ऐप को कर लिया है ओपन, ठीक है। सो यहाँ पे हल्का सा वेट करते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों ओपन होने के बाद ना इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। अब दोस्तों आपको ना यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉगिन का, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दोस्तों मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आपको ना यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फॉरगेट यूर लॉगिन डिटेल्स। सो दोस्तों आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। सो दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये बॉक्स देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर दोस्तों या तो आपको अपनी आईडी का यूज़र नेम डालना है अगर आपको याद है, या फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है जिस आईडी से आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया था, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी आईडी का यूज़र नेम डाल देता हूँ, सोनू तोमर G20। तो दोस्तों ये है मेरी आईडी का यूज़र नेम एंड दोस्तों उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। सो दोस्तों मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है सेंड एन ईमेल, और दोस्तों अगर मैंने आईडी फोन नंबर से बनाई होती है दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और आना था फोन नंबर का। सो दोस्तों अगर आपने अपनी आईडी फोन से बनाई है ना, फोन नंबर से क्रिएट करी है, तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे फोन नंबर के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आपके फोन नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, कन्फर्मेशन कोड जाएगा, वो कोड दोस्तों आपको डालना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे सेंड एन ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मेरी ईमेल आईडी के ऊपर एक कोड जाएगा जो कि दोस्तों मुझे यहाँ पर डालना है। सो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली जीमेल आईडी को ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक कोड आ चुका है 9976629, ठीक है, 9976629, ठीक है। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये 6 डिजिट का कोड डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली नेक्स्ट करना है एंड दोस्तों मेरी आईडी मेरे फ़ोन में लॉगिन हो जाएगी। सो दोस्तों यहाँ पर हल्का सा वेट करते हैं। सो दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हो कि दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहां पर लॉगिन हो चुकी है, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के और सिर्फ एक मिनट में। सो दोस्तों इस तरह से आप अपनी किसी भी पुरानी इंस्टाग्राम आईडी को आप अपने फ़ोन में चला सकते हो। बस होना चाहिए आपके पास आपकी ईमेल आईडी जिससे आपने क्रिएट करी है, या फिर आपका फ़ोन नंबर। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। अगर इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। टाटा बाय, टेक केयर।